विकास भवन के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे को स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग समय से करने के निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इसलिए समय से उपलब्ध धनराशि व्यय होनी चाहिए। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सफाई कर्मियों आदि को शीघ्र टीकाकरण कर लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाया जाए तथा पोर्टल पर दर्ज सभी फ्रंट लाइन वर्करों का टीकाकरण कराया जाए, जिससे वैक्सीनेशन का कार्य समय से पूरा किया जा सके। अच्छा, पिछले बार इन्फॉर्म कर लें, एक बार दो बार पूछ लें, है ना, वो कराना पड़ेगा। अभी क्या साइट स्टेबलाइज हो गया है? साइट का इश्यू था, लिस्ट कल का जो आने वाले का लिस्ट है हम लोग के पास, तो कम से कम जो बचा हुआ समय में जो आप कंट्रोल रूम का फायदा लीजिए, आप सबको फोन लगा दीजिए, एक बार इन्फॉर्म तो कर लीजिए तो जरूर आ जाए। अगर मेरे विभाग का मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं बता दूं सबको। नहीं, भाग वाइज नहीं मिलेगा। अच्छा, रैंडम होगा, नहीं तो सूची आप ग्रुप में डाल दीजिए, अपने आप ग्रुप में पड़ा भी है, शायद ये व्हाट्सएप ग्रुप में है, भ्रम है या कोई परेशानी है, क्या है उसमें? सर पिछले राउंड में बढ़ा था, पहले भी एक दो राउंड में खा था सर, उसके बाद कुछ बढ़ा है सर। कुछ लोग थोड़ा सा हिचक रहे हैं, ज्यादा जिनकी है या फिर गंभीर बीमारी भी है, उन्हीं में तो लगना है, उन्हीं में तो फिर वरीयता देके लगना है सर। क्योंकि थोड़ा सरदर्द बुखार तो होता है, वो अच्छा माना जाता है ताकि आपको बॉडी में रिएक्ट हो रहा है। कोरोना आ जाता है यार, बचाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे कोरोना भी हुआ है, फिर उसके बाद वैक्सीन भी लगाया हुआ है, पेशेंट का 2 महीने हुआ है मुझे, नॉर्मल सी जिंदगी में आने के लिए, पर बहुत लोग हम दवा भी चुके हैं, जानते हो यहाँ कमिश्नर साहब का पीए है और हमारा भी 2-3 कर्मचारी है, बहुत लोगों का हम बचा नहीं पाए। और मैंने डीजी से बहुत ऐसे महंगा महंगा दवा देखे, बिल्कुल हम लोग उम्मीद छोड़ दिया, फिर भी बच के आए, वो बात अलग है, पर अभी ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन इस समय में आ रहा है ना, बहुत अच्छा क्वालिटी का है ना, इसमें जो भ्रम है ना, जो आपको ये वो क्यों नहीं लगा रहे, हम क्यों लगा रहे हैं, इनके क्यों नहीं लगाना, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। हम ये सोच के जाए सरकार जो सोच समझ के अच्छे दवाएं शुरुआत में दिए हैं, अब आगे कैसे होगा मुझे नहीं पता है, बट ये मौका अच्छा है, अब बार बार मिलेगा भी नहीं, ताकि शॉर्टेज बहुत है इसका, और एक बार नंबर उनका चला जाएगा उसके बाद 4-5 महीने के बाद उनका तब तक नंबर नहीं आएगा, फिर उनको मिलेगा भी नहीं, जनरल में जाएंगे वहाँ पर एमओ इसी से बुला लें, वो समझा देंगे उसको क्या इश्यू है, क्या है उनका साइड इफेक्ट का, कोई कोई परेशानी है तो मन में कोई डाउट है तो वो भी पूछ लें, है ना, कोई डाउट है तो कोई कॉम्प्लिकेशन जो चीज है वो पूछ सकते हैं। बट देखिए ड्यू लिस्ट तो आंगनबाड़ी का आ रही है, बड़ा सौभाग्य बात है, फिर उनका कहाँ मिल पाएगा, ग्रास नहीं आएगा मुझे पता है, अब ये 10-15 हजार में भी नहीं मिलेगा भविष्य में, अब ये मौका मिल रहा है इसको यूज करें हम लोग।